हेलो दोस्तों, 22 मार्च 2020 को आईसीएमआर ने जो अपना नेशनल टास्क फोर्स बनाया है कोविड-19 के लिए, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है एक ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन। ये देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन को रिकमेंड किया गया है प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे। और इसके लिए किन किन लोगों के लिए है ये मैं बता दे रहा हूँ। एलिजिबल इंडिविजुअल हैं इसमें ए सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्व इन केयर ऑफ सस्पेक्टेड और कन्फर्म्ड केसेज ऑफ कोविड-19। मतलब कि ऐसे वर्कर्स, डॉक्टर या फिर ऐसे कोई भी स्टाफ नर्स, हेल्थ वर्कर जो कि किसी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर उनके केयर में लगे हुए हैं उनको। और दूसरा किसके लिए रिकमेंड किया है कि ऐसे किसी पर्सन जिसको कोविड-19 पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है उसके घर वालों को, उसके हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट, तो इन लोगों के लिए अप्रूव किया गया है ये प्रोफाइलेक्सिस। सभी के लिए अप्रूव नहीं किया गया है। और इसका डोज बनाया गया है उनके लिए जो कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। 400 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे ऑन डे वन, मतलब पहले ही दिन ही 400 मिलीग्राम सुबह और शाम दे दिया जाएगा। उसके बाद से वीकली लेना है 7 वीक तक। 1 वीक में एक गोली 400 मिलीग्राम का, कितने दिन तक, कितने वीक तक, 7 वीक तक खाना के बाद। ए सिम्टोमेटिक हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट ऑफ लेबोरेटरी, उनके लिए क्या है कि 400 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे ऑन डे वन एंड फॉलोड बाई 400 मिलीग्राम वंस वीकली फॉर नेक्स्ट 3 वीक। तो जो उनके घर वाले हैं जो कांटेक्ट में हैं उनको पहले दिन के डोज देने के बाद से 3 सप्ताह तक देना है। और जो लोग डॉक्टर्स वगैरह हैं जो उसके केयर में लगे हुए हैं उनको 7 वीक तक देना है। ये डिफरेंस है। और इसमें इसका कुछ कंट्राइंडिकेशन है कि किसको नहीं दिया जाएगा। द ड्रग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोफाइलेक्सिस इन चिल्ड्रेन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। 15 साल से छोटे बच्चों को ये ड्रग नहीं देना है। द ड्रग इज कंट्राइंडिकेटेड इन पर्सन विद नोन केस ऑफ रेटिनोपैथी। अगर किसी को रेटिनोपैथी, कोई भी रेटिनोपैथी हो, नोन हाइपर सेंसिटिविटी टू हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या फिर 4-अमीनो क्विनोलिन कंपाउंड्स। वैसे भी हम लोग पढ़ते ही हैं कि क्लोरोक्वीन ग्रुप की जो भी ड्रग्स होती हैं उसका रेटिना पे इफेक्ट आता है, कंट्राइंडिकेशन होता है। तो ये दो कंडीशन में नहीं देंगे, अगर 15 साल से छोटा बच्चा है और रेटिनोपैथी है कोई उसको, किसी पर्सन को। और इस ड्रग को यूज करने के लिए स्टेट द्वारा कुछ हिदायत भी दिया गया है। पहला कि द प्लेसिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर अंडर कीमोप्रोफाइलेक्सिस शुड नॉट इंस्टील ए सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी। मतलब कि अगर वो दवा ले रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से सिक्योर हो गया। दे शुड फॉलो ऑल प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक हेल्थ मेजर सच एज फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड। उसको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो जो कर रहा है, ये नहीं कि दवा वो खा लिया तो मतलब कि कुछ भी नहीं करेगा। सारा चीज़ वो मेंटेन करेगा, जैसे कि फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स, कीपिंग ए डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 1 मीटर एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी। वो सारी चीज़ें करेगा, साथ में बस ये दवा ले लेगा, ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा कुछ भी। अगला है दे शुड सेल्फ मोनिटर देयर हेल्थ एंड रिपोर्ट टू हेल्थ अथॉरिटी इमिडिएटली इन द इवेंट ऑफ देम बिकम सिम्टोमेटिक। अगर उसे कोई भी सिम्टम आता है तो तुरंत उसको रिपोर्ट करेगा। सॉरी, इधर आ गया। हाँ, थर्ड है कि दी हाई रिस्क कॉन्टेक्ट ऑफ ए पॉजिटिव केस प्लेस्ड अंडर द कीमोप्रोफाइलेक्सिस शुड रिमेन इन होम क्वारंटाइन वाइल ऑन प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी। मतलब कि जो घर वाले जिनको दवा दिया जा रहा है वो भी घर में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो अब निकल के बाहर घूमने लगेंगे। एज रिकमेंडेड बाई दी सेड टास्क फोर्स द ड्रग शुड ओनली बी गिवेन ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए RMP। तो ये किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे कोई MBBS हो, उसके द्वारा रिकमेंड करने पे ही खाना है, ऐसे नहीं कि हम जाके मेडिकल स्टोर से खरीद कर खाना शुरू कर दें। अपार्ट फ्रॉम द सिम्टम ऑफ कोविड-19, जो भी सिम्टम है, फीवर, कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इफ़ द पर्सन ऑन कीमोप्रोफिलेक्सिस डेवलप एनी अदर सिम्टम ही शुड इमिडिएटली सीक मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैज प्रिस्क्राइब्ड द कीमोप्रोफिलेक्सिस।
ठीक। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ डेवलप करता है तो उसको तुरंत संपर्क करना चाहिए। कुल मिलाजुला के इसमें फाइनली ये कहा गया है कि इट शुड नॉट इन स्टील सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी। तो ये है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्रोफेलेक्सिस के तौर पे प्रूव कर दिया गया है इसको। और ये एक नया इन्फॉर्मेशन था जो कि हो सकता है कि अभी जो मिड ईयर एम्स का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इंपॉर्टेंट हो, इसलिए इसका मैंने वीडियो बनाया। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज।